अरे भाई साहब हमारी थोड़ी मदद कर दो प्लीज, कुछ खाने के लिए दे दो या थोड़े पैसे दे दो जिससे हम खुद खाना जाके लेके आ जाएंगे प्लीज भैया। अरे चल भिखारी निकल ऐसे। अरे भाई साहब आप तो कुछ दे दो मुझे, इतनी देर से कोई कुछ भी नहीं दे रहा है, प्लीज दे दो ना, मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे कुछ भी चलेगा, अरे ये क्या कर दिया, अरे लग गई रे। अरे पापा कुछ खाने के लिए लेके आओ ना, भूख लगी है मेरे को। अरे हाँ हमने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ तो लेके आओ। अरे मैं कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे कोई कुछ नहीं दे रहा, न खाने के लिए दे रहा है न पैसे दे रहा है। अब तो मुझे लग रहा है मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हारे सारे के सारे भाई बहन इतने ज्यादा अमीर हो गए और तुम के फकीर के फकीर रह गए। अरे वो सब गलत गलत काम करके इतने ज्यादा अमीर हो गए। अरे तुम गलत काम करो चाहे कुछ भी करो, मेरे बेटे को बस खाना खिलाओ कैसे भी करके। ओए मैं आ गया, ओए ओए फकीर, ओ फकीर इधर देख इधर देख, मैं आ गया, देख मेरा हेलीकॉप्टर, देख मेरा नया नया हेलीकॉप्टर, आज मैं वापस आ गया हूँ। तू गरीब का गरीब ही रहा अभी तक ही, कल तक इधर ही देख के गया था, आज भी इधर ही खड़ा भीख मांग रहा है। अरे देख मैं नया नया हेलीकॉप्टर लेके आया हूँ, चलो फटाफट से मेरे सारे सारे पैसे वापस कर। अरे मैंने भैया आपको बोला तो था कि मैं आपको 10-15 साल में पैसे दे दूंगा। अरे तेरी शादी है क्या 10-15 साल में पैसे देगा? अरे भैया प्लीज ना। अरे चल चल ठीक है ठीक है। अरे क्या आप मेरा लोन माफ कर रहे हो? अरे नहीं मैं लोन नहीं, मैं तुझे साफ कर रहा हूँ। अरे भैया क्या मतलब आपका? अरे अभी बता दो मेरा मतलब, अरे ये जो मेरा नया हेलीकॉप्टर है ना, इसी के नीचे मैं तेको कुचल के मार दूंगा। अरे नहीं भैया ऐसे मत करना। अरे तो तू मेरे पैसे तो दे नहीं रहा, मैं तुझे मार के तेरी सारी बॉडी पार्ट बेच के सारा का सारा लोन अपना वापस सही कर लूंगा। अरे नहीं भैया। अरे ये ले निकल यहाँ से, तेरे बच्चे को ही मारूंगा। अरे भैया प्लीज छोड़ दे मुझे, आज तो तुझे छोड़ रहा हूँ, कल वापस आऊंगा और अगर कल नहीं दिए तो तेरी बॉडी पार्ट्स का बिकना तो कन्फर्म है। अरे देखो वो हमारी फिर से बेइज्जती करके चला गया और तुमने कुछ भी नहीं किया, वो इतना ज्यादा अमीर है। अरे रुको मैं आता हूँ। अरे गाड़ी दे। अरे मेरे को भिड़ता है पर कोई बात नहीं, मैं तेरी गाड़ी तो लेकर आऊंगा, आज से ये गाड़ी मेरी हुई। अब मैंने ऐसा काम सोचा है वो मैं करूंगा और मैं अपने घर वालों को खाना दूंगा। अरे ऐसा क्या करने वाले तुम? अरे अब बस तुम देखना मैं क्या करने वाला हूँ, अभी हमें एक टाइम का भी खाना नहीं मिलता ना, अब हमें 10-10 टाइम का खाना मिलेगा। अब मैं ऐसा करूंगा, अब मैं ऐसा कुछ करूंगा, पूरी दुनिया मेरे कब्जे में होगी, अब मैं नहीं छोड़ने वाला, मेरे को कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। तो गाइस यार यहाँ पे हमारा ब्लू व्हेल सोच रहा है कुछ आइडिया ताकि यार वो थोड़ा अमीर बन सके, अपने घर वालों को यार खाना खिला सके। तो अगर आपके पास कोई आइडिया तो फटाफट से कमेंट कर दो, पर अगर कोई आइडिया नहीं तो फटाफट से यार गुड लक ब्लू व्हेल लिख दो ताकि यार इसके यार आइडिया सोचने में थोड़ी मदद मिल सके। अरे मैंने उन्हें बोल तो दिया पर मैं करूंगा, मेरे पास कोई आइडिया तो है ही नहीं। अरे कुछ ना कुछ तो मुझे सोचना होगा, क्या करूँ क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। जानी हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अरे तुम कौन हो, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? जानी हम सबकी मदद करते हैं, बताओ क्या दिक्कत है? अरे मुझे पैसों की जरूरत है, अगर कल तक मैंने पैसों का इंतजाम नहीं किया तो मेरा भाई मुझे मार देगा, मेरे सारे वो बॉडी पार्ट्स बेच देगा। जानी पैसा कमाना चाहते हो? मेरे पास बहुत ही बढ़िया आइडिया है। A few moments later. ये आइडिया तो बहुत ही खतरनाक है पर बहुत अच्छा भी है, मुझे एक बार गलत काम करना होगा फिर हमेशा के लिए हम अमीर बन जाएंगे। चलो जल्दी से चलते हैं बैंक में और वहाँ पे हम चोरी करेंगे, फिर वहाँ से सारे पैसे लेके मैं अपने भैया को दूंगा, फिर हम आराम से अपनी जिंदगी काट पाएंगे। बैंक में तो बहुत सारी सिक्योरिटी होती है, इसलिए मैंने सोचा मैं ज्वेलरी स्टोर में चोरी करूंगा, वहाँ से हम सोना चुराएंगे और पैसे भी। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ज्वेलरी स्टोर है, तो हम सबसे बड़े वाले ज्वेलरी स्टोर में चोरी करने वाले वो है ये, और मेरे पास बंदूकें भी है। तो चलते हैं अंदर और सबको मारना शुरू करते हैं और चुराते बहुत सारा पैसा और गोल्ड। अरे यहाँ पे तो गार्ड वाला खड़ा है, पहले इस गार्ड को मारते, ये ले ये ले ये ले, मैंने इसको मार दिया। और यहाँ पे कोई भी गार्ड नहीं है, सबके सब नीचे बैठ जाओ, कोई भी नहीं उठेगा, वरना सबको मार दूंगा। ऐसे दिखाता हूँ अभी कैसे मारूंगा, ये ले ये ले ये ले ये ले, सबको मार दूंगा, अगर हिले तो सबको मार दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। पुलिस को तो गलती से हिम्मत बुलाना। अरे ये क्या, तुमने सायरन बजाया, तुमको भी नहीं छोड़ूंगा, ये ले ये ले ये ले लो। अब पुलिस भी आने वाले होगी, मुझे जल्दी से चोरी कर लेनी चाहिए उससे पहले कि पुलिस आ जाए। फटाफट से चलते हैं अंदर, मेरे पास हैकिंग वाला डिवाइस भी है, उन अंकल ने मुझे हैकिंग वाला डिवाइस दिया था ताकि मैं हैक करके इनका लॉकर खोल सकूं। यहाँ पे इनको फटाफट से लगा देते हैं, मुझे फिंगरप्रिंट मैच करना होगा, फटाफट से इनको मैच करते हैं। इधर ये इधर ये इधर, इसको इधर इसको इधर इसको इधर इसको इधर। अरे वाह ये तो हो गया, बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया। अरे ये गेट भी खुल गया, चलो इसके अंदर चलते हैं उससे पहले कि पुलिस आए, मुझे फटाफट से अंदर जाके चोरी करनी पड़ेगी। चलो चलते हैं, यहाँ पे कोई गार्ड तो नहीं है ना? नहीं यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है। एक काम करते हैं, मैं गेट पे स्मोक डाल देता हूँ ताकि कोई अंदर नहीं आ पाए। ये लो सारा का सारा धुआं धुआं कर दूंगा, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। एक काम करता हूँ गेट पे आग भी लगा देते हैं, फिर तो कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। इधर भी यहाँ पे आग लगा देता हूँ, अब कोई अंदर नहीं आ पाएगा, जल्दी से जाके मैं चोरी कर लेता हूँ। अरे वाह यहाँ पे तो बहुत सारे
पैसे और गोल्ड है, फटाफट से इसको चुराते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अरे वाह, यहाँ पे तो बहुत सारा पैसा है, यहाँ पे तो बहुत सारा सोना भी है, जल्दी सबको उठाते हैं। अरे ये लास्ट पैसे बचे, इनको फटाफट से अपने बैग के अंदर डाल लेते हैं। पूरा का पूरा बैग भर लिया मैंने, अब जाऊंगा यहाँ से मैं। मुझे यहाँ से फटाफट से निकल लेना चाहिए वरना यहाँ पे पुलिस आ सकती है। सारा का सारा धुआं भी हट चुका है, फटाफट से बाहर निकलते हैं। अरे वाह, यहाँ पे तो लोग खड़े, इनको मारते, फटाफट से निकलो यहाँ से। मैं बन चुका हूँ गैंगस्टर, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ चुके, अब मैं यहाँ से जाऊंगा। अरे पुलिस वाले यहाँ पर गए, इनको मारते हैं, ये ले निकल यहाँ से। अरे यहाँ पे तो बहुत सारे आ गए, मुझे फटाफट से अपनी बाइक पर निकलना चाहिए, मेरी बाइक वहाँ पे खड़ी है। अरे यहाँ पे तो बहुत सारे पुलिस वाले आ गए, अरे फटाफट से अपनी बाइक निकल के यहाँ से भग जाते अपन। अरे यहाँ पे तो बहुत सारे पुलिस वाले आ चुके, इनके ऊपर बॉम्ब फेंक के उड़ाएंगे। मैं गैंगस्टर बन चुका हूँ, मेरे पास पैसे आ चुके, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पहले मैं अपने भाई को पैसे दूंगा, फिर मैं आराम से अपनी जिंदगी जूंगा। ये लो पुलिस वालों, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे, ये लो तुम्हारे ऊपर बॉम्ब फेंकूंगा, ये ले निकल यहाँ से, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। अरे ये क्या हो गया। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, मैं हूँ ब्लू हल्क। मुझे पता है आप मुझे नहीं पहचान पा रहे होगी, क्योंकि ये मेरा नया नया गोल्ड सूट और यहाँ पे मेरा नया नया घर, मैंने सारे के सारे पैसे इधर इन्वेस्ट कर दिए और भी पैसे मेरे पास बचे हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, मेरे घर का टूर देता हूँ, और मैंने अपने भाई को सारे के सारे पैसे दे दिए, बल्कि एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। अभी मैं आपको अपने घर का टूर दिखाता हूँ, अभी देखो मेरा कितना ज्यादा बड़ा घर है। हमारे पास रहने के लिए भी घर नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, पर अब हमारे पास सब कुछ है। यहाँ पे मेरे पास एक गोल्डन हेलीकॉप्टर भी है। अभी आपको पूरा घर का टूर कराता हूँ, अभी यहाँ से ऊपर लेके चलता हूँ। ये देखो कितना खतरनाक घर है, हमारे घर में सिक्योरिटी गार्ड्स भी है जो कि हमारी सिक्योरिटी करते हैं। यहाँ पे हमारे बहुत सारे कर्मचारी भी है जो हमारे घर की सफाई करते हैं। अरे हम तो बहुत ज्यादा अमीर हो गए, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे हाँ, अब तुम जो चाहे कर सकती हो। यहाँ पे हमारा किचन है, यहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे हमारा रूम है बहुत बड़ा वाला, ऊपर भी हमारे बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे हमारा खेलने का एरिया, यहाँ पे हमारा जिम है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे रूम बने हुए। इस घर में कम से कम 10-15 रूम है। अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक और रूम, बड़ा वाला रूम। अब हमारे पास इतने पैसे, हम कुछ भी कर सकते हैं, और जितने पैसे हमारा बचे थे हमने यहाँ पे रख दिए। ये देख सकते हो हमारे यहाँ पे सारे सारे पैसे और गोल्ड पड़े, वो यहाँ पे हमने छुपा के रखे, किसी को पता नहीं चलेगा। अभी यहाँ से चलते बाहर, ये तिजोरी बंद कर देते, और भी आपको चीजें दिखाता हूँ। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है हमारा घर, ये देखो हमारे पास कितनी सारी गाड़ियां हैं, एक हेलीकॉप्टर है, और कितना ज्यादा बड़ा घर है। ओए मेरे भाई, इतना ज्यादा अमीर कैसे हो गया? ओए ओए, तेरे पास तो गोल्डन सूट भी आ गया। ओए सॉरी, चल अपन पार्टनरशिप कर लेते। अरे तूने मुझे भगाया था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओए ऐसा मत करो, मैं तेरा भाई हूँ, अपन दोनों पार्टनरशिप में मस्त मस्त चीजें करेंगे। पर तुमने तो बोला था तुम मेरे बॉडी पार्ट बेच के सारे पैसे ले लोगे। ओए वो तो मैं मजाक कर रहा था। ओए अच्छा, मजाक कर रहे थे। ओए तू तो मेरा छोटा भाई है, अपन दोनों साथ में रहेंगे, मजे करेंगे फुल। अरे नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जैसे ही मेरे पास पैसा है तुम मेरे साथ आ गए। ए बॉडीगार्ड, मार दो इसे। ओए ऐसा मत करो। अरे इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। ओके सर, मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, सीधा मत्थे पे गोली मारूंगा। कोई आखिरी इच्छा है तो मुझे मत बता, क्योंकि मैं तुझे मारने वाला हूँ। ये ले, इसको मैंने मार दिया, ये ले गोलियां का और गोलियां का। सर मैंने इसको मार दिया, मेरा काम पूरा हुआ। अरे बहुत बढ़िया काम किया तुमने, आज से तुम्हारा प्रमोशन, अब तुम सिक्योरिटी के हेड हो। चलो मैं थोड़ा चक्कर मार के आता हूँ अपनी इस बढ़िया वाली गाड़ी में। पहले हमारे पास चलने के लिए भी रास्ता नहीं था, पर हमारे पास इतनी सारी गाड़ियां आ चुकी है और मैं पूरे लॉस सैंटोस में कुछ भी चीज खरीद सकता हूँ। मैं बहुत ज्यादा अमीर हो चुका हूँ, ये पूरा का पूरा पहाड़ मेरा है, इधर मैं जब चाहे गाड़ी चला सकता हूँ। अब मेरे बेटे के पास भी बहुत सारे खिलौने, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये देखो सामने समुंदर है, मैंने इतना बढ़िया घर लिया है, सामने समुंदर का व्यू आता है। मैं सोच रहा हूँ ये समुंदर भी खरीद लूँ, क्योंकि मेरे पास इतने सारे पैसे, ये गाड़ी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, ये गाड़ी बेच के मैं और बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ खरीदूंगा। तो अब हाल की लाइफ हो चुकी है चेंज, उसने अपने भाई से बदला ले लिया। तो गाइस यार, आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से ज्वाइन और फॉलो कर लो, वहां पे बैठ के मस्त मस्त बातें करेंगे। और गाइस यार, मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।